राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 के आयोजन के तहत अस्टिमेट कॉलेज ऑफ लॉ के सभागार में मोबाइल फोन का प्रयोग एवं ड्रंक एंड ड्राइव के विरुद्ध जागरूकता अभियान के अंतर्गत छात्र छात्राओं को मोबाइल का प्रयोग एवं नशे की अवस्था में ड्राइविंग न करने के प्रति जागरूक किया गया। अपराह्न मोबाइल फोन का प्रयोग एवं नशे की हालत में ड्राइविंग करने के अभियान में परिवर्तन की कार्रवाई की गई। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना और नशे की हालत में गाड़ी न चलाना, आपको मैं संक्षेप में दो लाइन आपको बताना चाहूंगा। यह कार्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है, आपसे ये बातें साझा करना क्यों जरूरी है, आपको यह पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है। और लगभग इतना या इससे कम COVID-19 से मृत्यु हुई है। कोविड का इतना आतंक है कि आज आप सब लोग इस सभागार में आज से एक साल पहले बिना मास्क के बैठे थे, आज सब लोग सभी लोगों ने मास्क लगाए बैठे हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कमल प्रसाद गुप्ता संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन, प्रोफेसर विपिन जैन, अंबुज कुमार ARTU प्रवर्तन, होरीलाल वर्मा यात्री मालकर अधिकारी, पवन त्यागी यातायात निरीक्षक, कपिल रस्तोगी अभिनव प्रौद्योगिकी NGO एवं सभी छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन विभाग ने हमारे छात्रों के बीच में रूबरू हुआ और उनको यातायात के नियम के बारे में बताया और खासतौर से ये बताया कि जब भी आप बाइक चला रहे हैं या कोई भी व्हीकल चला रहे हैं उस दौरान मोबाइल का उपयोग ना करें और ना ही नशे में कोई गाड़ी चलाएं। तो ये बहुत ही अच्छा उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है जो कि कॉलेज में पढ़ने वाले युवक युवतियों को समझाया जा रहा है प्रशासन द्वारा। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ और उनका पूरी तरह से हम सहयोग करेंगे कि आगे से हमारे कॉलेज के सभी छात्र व छात्राएँ यातायात नियम का पालन करें, हेलमेट पहनें और कभी भी रॉन्ग साइड में नहीं जाएं जिससे कि कोई ऐसी दुर्घटना घटित हो जाए जिससे उनको कोई परेशानी हो। तो मैं एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार का, प्रशासन विभाग का, परिवहन विभाग का धन्यवाद देना चाहता हूं और उनसे यही अनुशंसा रहेगी कि आगे भी इस तरीके के प्रोग्राम हमारे टिबेट प्रांगण में करें। साथ ही साथ मैं हमारे कुलाधिपति श्री सुरेश जैन साहब का, ग्रुप वाइस चेयरमैन मणि जैन जी का और बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के मेंबर श्री अक्षर जैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लगातार हमें अच्छे से अच्छा करने का सहयोग देते हैं और उत्साहवर्धक करते हैं। थैंक यू सर। कहना चाहेंगे क्या कार्यक्रम किया गया है? आज बेसिकली राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत दो विषयों पर जागरूकता अभियान और इन्फोर्समेंट की कार्रवाई के निर्देश भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए थे, जिसमें वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना और नशे की हालत में वाहन चलाना, इन दो के विरुद्ध जागरूकता भी अभियान चलाना था और प्रवर्तन की कार्रवाई भी की जाए। इसी क्रम में आज हम लोग टिमिड में जो तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का संस्थान है यहाँ पर आए हैं स्कूली बच्चों को नशे की हालत में वाहन चलाने और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करने के विषय में प्रेरित करने के लिए आए हुए हैं, उसी की वर्कशॉप यहाँ पर आयोजित किया। क्या अपील करना चाहेंगे सर? अपील यही करना चाहेंगे कि ये दो बहुत सघन ऑफेंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनका लाइसेंस निलंबन के लिए कह रखा है। तो ये ऐसे अपराध हैं जिनमें आप अपनी लाइफ को सीधे थ्रेट करते हैं, तो वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग बिल्कुल भी ना करें और नशे की हालत में वाहन बिल्कुल भी ना चलाएं। थैंक यू सर।